आपने जो थंबनेल में देखा, क्या आप वो जानना चाहते हैं? Then you are at the right place. Hello and welcome to India's most famous dentist. I am Dr. Karthik Dinoja and this is the clips section. इस clips section में आपको ऐसी बहुत सारी clips मिलती रहेगी. इस clip से मिलेगा अपने doubt का solution, अपने question का answer. This clip section is brought to you by Karthikatva. और कार्तिकत्व की टैगलाइन है परसेप्शन मैटर्स. तो हर कोई क्लिप से आपको एक नया परसेप्शन डेफिनेटली मिलने वाला है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो रिफिल योर पॉपकॉर्न टब, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस क्लिप. ओके, अगेन सर इसी बात को हम आगे थोड़ा लेंगे. अब सॉफ्ट टिश्यू पे भी काम करते हैं. बहुत ही इसमें मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि आप कभी भी प्रोसेस देखेंगे तो कोई भी बॉडी का टिश्यू अगर छोटा सा भी हीलिंग हो रहा है या कुछ भी जनरेट हो रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है. ट्रू. एनर्जी भी बहुत कंज्यूम हो रही है. तो कितना कॉशियसली आपको काम करना पड़ता है और आपका उस टाइम पे दिमाग में क्या रहता है कि कितना टिश्यू काटना है. इससे ज़्यादा भले ही वो 1 mm हो, आधा mm हो, मेरा ब्लेड नहीं जाएगा. वी आर ट्रूली अ माइक्रो स्पेशलिटी. हाँ यस. मतलब अपने में 23 नंबर का ब्लेड तो होता नहीं है. राइट. 15C होता है. हाँ यस. सो वी आर, यू रियलाइज एज एंडोडोंटिस्ट वी आर न्यूरोलॉजिस्ट. राइट. ऑफ अ वेरी माइक्रोस्कोपिक एरिया. हाँ. यू आर ट्रीटिंग नर्व्स. नर्व्स. राइट. यू आर नॉट न्यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली, यू आर न्यूरोसर्जन्स. हाँ. वी आर न्यूरोसर्जन्स इनसाइड अ क्लोज्ड कैविटी. तो हमारे वर्ल्ड तो बहुत माइक्रोस्कोपिक है. हाँ. जो डेंटिस्ट्री है इट इज़ अ स्पेशलिटी टू बिगिन विद. मतलब आप MBBS करते हैं, MBBS इज जनरल साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. राइट. हम तो शुरुआत ही उसके एक स्पेशलाइज एरिया से करते हैं, हेड एंड नेक. हाँ. हेड एंड नेक के अंदर भी यही 32 दांत. हाँ. राइट. सो वी आर सुपर स्पेशलिस्ट. व्हेन वी आर जस्ट फिनिश्ड BDS वी आर सुपर स्पेशलिस्ट. तो क्योंकि एरिया ऑफ वर्क छोटा है. अच्छा, एक्सेस उससे भी छोटा है. हाँ. मतलब काम करना है एक ऑर्गन पे, लेकिन उसका रास्ता मरीज कितना मुंह खोलेगा उस पर डिपेंड करता है. करता है, ऑफ कोर्स. अब 27 पे काम कर रहे हो. हाँ. तो और एक्सेस कम हो गया. हाँ. तो व्हाट यू आर सेइंग इज मोर ट्रू फॉर आवर फील्ड देन एनी अदर, बिकॉज यार जगह इतनी छोटी है. तो 1 मिलीमीटर मैटर करता है. आप इम्प्लांट के अराउंड 4 mm अटैच टिश्यू प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो. हाँ. 4 × 2 हो जाए. 2 mm कितना होता है? 1 सेकंड लिसनर्स अगर अपने दिमाग में सोचे कि 2 mm कितना होता है, एक स्केल को इमेजिन करो, देखो 2 mm कितना होता है. 2 mm टिश्यू ना होने में ही इधर से उधर का अंतर आ जाता है. राइट. तो इट्स अ फील्ड विद लॉट ऑफ प्रिसिशन रिक्वायरमेंट. ठीक है. नाउ डू आई फील दैट प्रेशर ऑल द टाइम? नो. एंड वॉट दैट डिपेंड्स ऑन इज हाउ ऑफन यू आर डूइंग दैट प्रोसीजर. ओके. तो एक पुरानी वो है, एक फोटोग्राफ है मेरे पास एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर. माइकल जॉर्डन इज शूटिंग हूप्स. हाँ. उसकी आंखें बंद है. ओके. अब पैदा हुआ था तो आंख बंद करके थोड़ी फेंक रहा था. राइट. बट एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद तो आंख बंद करके कर रहा था. हाँ. जो रेस ड्राइवर्स होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है. हाँ. कब गियर चेंज हो रहा है. हाँ. कब क्या हो रहा है. हाँ. उनको कुछ पता ही नहीं. यस. लाइक इट्स जिसे ट्रूली ऑटो पायलट मोड बोलते हैं. हाँ. सो आई मस्ट टेल यू दैट फॉर मेनी प्रोसीजर्स मैं करते हुए क्या सोच रहा होता बड़े ऑटो पायलट मोड पे होता है. हाँ. कभी कभी आई मीन कोई गाने चल रहे होते हैं दिमाग में. हाँ. कभी वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा होता है. राइट. वेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू हैव डन 1000 times देन यू आर ऑन ऑटो पायलट मोड. Which again brings us back to the same point. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ऑटो पायलट करोगे. भाई मैं लेट्स से फ्रीज इंजाइवर ले रहा हूँ पैलेट से. हाँ. और वेस्टिबुलर प्लास्टी करके. हाँ. और उधर फ्रीज इंजाइवर को स्टेबलाइज कर रहा हूँ. और अंदर ग्राफ्ट भी है और इम्प्लांट भी है. ओके. तो उस दिन लेजर फोकस होता है. So it's prepared case ke accordingly. Oh yeah. Yeah, yeah. But this is for a fact that when you are doing something repeatedly over and over again and again to utna load nahi rehta dimag. Autopilot jaise autopilot pe chalta hai. Backbenchers ka dibba khul jata hai during lectures. Autopilot mein sandwich nikal liya, mobile khul jata hai. Abhi sochiye, ye clip itna interesting tha to pura episode kitna interesting hoga.
इस क्लिप का पूरा एपिसोड इसी YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आपने देखा क्या? अगर आपको ये क्लिप पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में और अपने आसपास के लोगों में जरूर शेयर कीजिए। हम ऐसा ही वैल्यू एड करने वाला और इंटरेस्टिंग कंटेंट इस YouTube चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे।